गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। सो टुडे इज आवर लेक्चर नंबर 5। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 5। जी बच्चों, कल हमने द मुल्ला सन के क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस की थी और मुझे उम्मीद है कि आपने लर्न भी कर लिए होंगे। तो आज हम द मुल्ला सन का बुक वर्क स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर, अपना जो आज हम अपना बुक वर्क स्टार्ट करेंगे। सो प्लीज ओपन योर पेज नंबर 36। पेज नंबर 36 का पार्ट ए जो है वो हमने ओरल आपके साथ मैंने डिस्कस किया था। इसका पार्ट ए 1 का जो 2 पार्ट है उसको आज हम अपना शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले जिस तरह हम क्या करते हैं, अपनी डेट मार्क करते हैं। सो टुडे इज आवर डेट 11 सितंबर। हाँ जी, और 2020। ओके, नाउ पुट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन ऑर्डर। द फर्स्ट सेंटेंस इज इन द करेक्ट प्लेस। ये स्टोरीज में उन्होंने कुछ लाइन दी हुई हैं, कुछ इस पेज पर हैं, कुछ आपके पेज नंबर 37 पर हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा है ये लाइन्स जो हैं जो स्टोरी में से दी गई हैं आपके इसी यूनिट में से, वो आगे पीछे इनको हमने अरेंज करना है। ठीक है, सो पहले हम इन लाइंस को पढ़ते हैं और फिर हम देखेंगे कि इनको कैसे अरेंज करना है। उसने कहा है कि पहला सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, यानी पहला अपनी जगह पर ही है, तो इसके साथ हम क्या लिख देंगे, 1। ओके, देयर वॉज अ वेरी फनी मैन एट अकबर्स कोर्ट। ठीक है, फिर क्या हुआ था, अब पहले हम सारी एक दफ़ा लाइंस पढ़ते हैं। हिज मदर चेस्ड हिम, सी वाला, द मुल्ला केम होम एंड वेंट टू टॉक टू हिज सन। डी, द मुल्ला हैड अ सन हु वॉज 6 years old। ई, दिस मैंस नेम वॉज मुल्ला दो प्याजा। एफ, द बॉय हिट अंडर हिज बेड। जी, ही ज्वाइंट हिज सन अंडर द बेड। एच, वन डे द सन बिहेव्ड वेरी बैडली। जी बेटा, इसकी पहली लाइन में जो उन्होंने लिखा हुआ है कि देर वॉज अ वेरी फनी मैन एट अकबर्स कोर्ट, कि अकबर के दरबार में एक बहुत फनी मैन था, तो जाहिर सी बात है हम उस फनी मैन का नेम बताएंगे। तो नेक्स्ट पेज पर जब हम जाएंगे उसका ई वाले पे लिखा हुआ है दिस मैन्स नेम वॉज मुल्ला दो प्याजा, तो हम क्या करेंगे, ई के साथ अपना 2 लिख देंगे कि ये हमारी सेकेंड लाइन है। ठीक है, अब हमने बताना है कि मुल्ला जो था उसका एक बेटा था। हमने मुल्ला का नाम बता दिया, नेक्स्ट हमने बताना है कि मुल्ला के बारे में ही कि मुल्ला का बेटा था, तो हम बता देंगे द मुल्ला हैड अ सन हु वॉज 6 years old, कि मुल्ला का एक बेटा था जो कितने साल का था, 6 साल का। इसके साथ हम अपना 3 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद अब हमने इसके बाद क्या बताएंगे, हाँ जी इसके बाद हम मुल्ला के बेटे के बारे में बता देंगे। वन डे द सन बिहेव्ड वेरी बैडली, कि एक दिन जो मुल्ला का बेटा था उसने अपनी मदर के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, या बदतमीजी की, इस तरह भी आप कह सकते हैं। ठीक है, फिर क्या किया उसकी मदर ने, हाँ जी जी उसकी मदर ने क्या किया, उसको चेज्ड किया, उसका पीछा किया। तो ये हमारा कौन सा वाला नंबर था बताएं, यस नंबर 5। तो हम यहाँ पे लिख देंगे नंबर 5। नेक्स्ट क्या हुआ था बच्चों, जब उसने चेज्ड किया तो फिर क्या हुआ था, जी बताएं उसके बाद क्या हुआ था, बॉय कहाँ चला गया था, द बॉय हिट अंडर हिज बेड, बॉय अपने बेड के नीचे छुप गया था, इसको हम नंबर 6 कर देंगे। हाँ जी बच्चों, फिर नेक्स्ट क्या हुआ था, नेक्स्ट ये हुआ था कि फिर वो अपने बेड के नीचे छुप गया था, और फिर क्या हुआ कि नंबर 7 नंबर पे हम इधर लिख देंगे कि जब द मुल्ला केम होम एंड वेंट टू टॉक टू हिज सन, के मुल्ला घर आया तो वो अपने बेटे से बात करने के लिए गया। फिर लास्ट पे क्या हुआ था कि वो भी ही ज्वाइंट हिज सन अंडर द बेड, के वो भी अपने बेटे के साथ बेड के नीचे छुप गया था। तो हमारी नंबर 8 लाइंस, ये 8 लाइन पे ये हो जाएगा। सो हमारी ये जो स्टोरी है पूरी है अरेंज हो गई है। ओके चिल्ड्रन, योर पार्ट सी। अब हम पार्ट बी जो है इसको बाद में करेंगे, पहले हम अपना सॉल्व करेंगे पार्ट सी। ठीक है, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज द एपोस्ट्रॉफ, रीड द फॉलोइंग, अकबर्स कोर्ट द कोर्ट ऑफ अकबर, द मुल्लास सन द सन ऑफ द मुल्ला, द
दिस मार्क यानी ये वाला जो मार्क है apostrophe इज कॉल्ड एन apostrophe. हाँ जी, अब हम मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले कि apostrophe क्या होता है. जब हम किसी इंसान की मलकियत को, मलकियत क्या होती है, जो उसकी चीज़ होती है उसको शो करते हैं, तो उसके लिए हम apostrophe का वर्ड यूज़ करते हैं. देखिए अब जैसे है द कोर्ट ऑफ अकबर, अकबर का कोर्ट, हमने बता दिया कि अकबर का कोर्ट है, तो उसके लिए हम इसकी शॉर्ट फॉर्म कर देंगे अकबर्स कोर्ट, यानी अकबर के आगे apostrophe लगाएंगे, एस लगाएंगे और कोर्ट लगा देंगे, इसका मतलब हो जाएगा अकबर्स कोर्ट. अब आगे आ गया द सन ऑफ द मुल्ला, हमने बताना है कि मुल्ला का बेटा, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म आप ये भी कह सकते हैं कि इसकी शॉर्ट फॉर्म भी होगी, और हमने ये भी बताना है कि मुल्ला का बेटा है, तो हम इसको आराम से जो तरीके से बता देंगे द मुल्लास सन, मुल्ला के आगे apostrophe लगाएंगे, एस लिखेंगे और लगा देंगे सन, द मुल्ला सन यानी मुल्ला का बेटा. तो देखते हैं अब नेक्स्ट पेज पे इसकी क्या एक्सरसाइज है जो हमने सॉल्व करनी है. सो हम निकाल ओपन करते हैं अपना पेज नंबर 38. अगेन वी विल मार्क द डेट ऑन आवर पेज नंबर 38. 11 September 2020. ओके, सो ओके बेटा ये देखें जी, इसमें इसकी उन्होंने क्या हमें दिया है, कॉपी द सेंटेंसेस बिलो पुट इन द मिसिंग apostrophe. चलें जी अब आप मुझे बताएंगे जो मैंने आपको बताया है कि क्या आपको समझ आई है, चलें मुझे बताएं. ए में आ रहा है दिस एम्परर्स कोर्ट वॉज फुल ऑफ म्यूजिशियंस, ठीक है, कि ये एम्परर का जो कोर्ट है वहाँ पर बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं, तो यहाँ पर हम कहाँ apostrophe लगाएंगे, यस एम्परर्स के आगे आर लिखा हुआ है, इसके आगे आप यहाँ पे एम्परर्स लगाएंगे और आगे सारा वैसे ही रहेगा. बी में आ गया देयर वर पोइट्स एंड राइटर्स एट अकबर्स कोर्ट, जी कहाँ पे लगाएंगे, यस अकबर्स कोर्ट, कि अकबर के कोर्ट में बहुत से पोइट्स और राइटर्स थे. सी पे आ जाए द बॉयज मदर डिड नॉट गो टू हर सन्स रूम. अब ये यहाँ पे सोचने वाली बात है कि ये कहाँ कहाँ पे apostrophe आएगा, चलें जी मुझे बताएं मदर के आगे लगाएंगे, नो बॉयज मदर, बॉयज के आगे आ गया, वाई के आगे apostrophe, ठीक है, और इसके आगे आ गया सन्स, तो यहाँ पे हम इधर लगा देंगे, आगे एस लिखा हुआ है रूम. डी पे है द बॉयज फादर वॉज अकबर्स फ्रेंड, बॉयज फादर वॉज अकबर्स फ्रेंड, तो आपको पता चल जाएगा कि बॉयज फादर जो है, ठीक है, वो अकबर्स के फ्रेंड थे, अकबर थे दोस्त, तो अकबर्स फ्रेंड, द बॉयज फादर वॉज अकबर्स फ्रेंड, ठीक है, ये पार्ट हमारा यहाँ पे apostrophe का खत्म हो गया. नाउ प्लीज लुक एट योर पार्ट टू, चेंज द अंडरलाइन वर्ड्स, फॉलो द एग्जाम्पल. एग्जाम्पल हमें क्या दी हुई है, द हेड ऑफ द बॉय वॉज स्मॉल, ये वैसे ही बेटा जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि इसको हमने अब क्या करना है, apostrophe यूज करना है. द बॉयज हेड वॉज स्मॉल यानी हेड ऑफ द बॉय, लड़के का सर, बताना है लड़के का सर है तो apostrophe लगा के इसको शॉर्ट कर देंगे बॉयज हेड. अब ए पीस पे आ रहा है द वाइफ ऑफ द मुल्ला चेस्ट द बॉय, तो वाइफ ऑफ द मुल्ला को उन्होंने अंडरलाइन किया हुआ, उसने कहा है कि अंडरलाइन वर्ड्स को हमने चेंज करना है, तो ये अंडरलाइन है इसका मतलब इसको हमने चेंज करना है, तो वाइफ ऑफ द मुल्ला यानी मुल्ला की बीवी है, तो आप बताएं मैं क्या करूंगी, हाँ जी इसको मैं चेंज करूंगी मुल्लास वाइफ, मुल्लास वाइफ apostrophe एस और डब्ल्यू आई एफ ही वाइफ, बाकी सारा सेंटेंस वैसे ही रहेगा द मुल्लाज वाइफ चेस्ट द बॉय, ठीक है. अब ये जो सेंटेंस मैंने चेंज किया है, अब यहाँ पर आप इसको नोटबुक पर इस काम को करेंगे, ऑन योर नोटबुक ऊपर आप यूनिट का नाम लिखेंगे, ठीक है, द मुल्ला सन, और नीचे आप इधर लिख देंगे कि आप कौन सा पार्ट कर रहे हैं, पार्ट टू ऊपर लिखेंगे चेंज द अंडरलाइन वर्ड्स फॉलो द एग्जांपल, और आप इसका फर्स्ट पार्ट लिख देंगे कि जिस तरह यहाँ पे हमने चेंज करके लिखा है द मुल्लाज वाइफ चेस्ट द बॉय, ठीक है, सिर्फ जस्ट इतना चेंज करके नहीं लिखेंगे, आप पूरा सेंटेंस लिखेंगे. ओके, देयर वर क्लेवर पीपल एट द कोर्ट ऑफ द एम्परर, यानी एम्परर का दरबार, एम्परर का कोर्ट, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे टाइम जी एम्परर्स कोर्ट, एम्परर्स ई एम पी ई आर ओ आर एम्परर लिख के एस लिखेंगे, ठीक है, और आगे सी ओ यू आर टी. अब आप अपनी नोटबुक पे इसको पूरा चेंज करेंगे.
उसके बाद नेक्स्ट आपका आ रहा है मुल्ला दो प्याजा क्रॉल्ड अंडर द बेड ऑफ हिज सन. तो बेड ऑफ हिज सन का क्या आ जाएगा, सन्स बेड. डी द नेम ऑफ द मैन वॉज मुल्ला दो प्याजा. नेम ऑफ द मैन इसको कैसे चेंज करेंगे, मैन्स नेम. ई द वर्ड्स ऑफ द बॉय मेड हिज फादर स्पीचलेस. वर्ड्स ऑफ द बॉय बॉयज वर्ड्स. ठीक है, अब ये आपने इसी तरह अपनी नोटबुक पे लिखना है, लेकिन इसको पूरा सेंटेंस लिखना है. खाली जो चेंज करेंगे वो नहीं लिखेंगे, बल्कि जैसे ये ऊपर वाला मैंने किया है द मुल्लाज वाइफ चेस्ड द बॉय, आप पूरा सेंटेंस अपनी नोटबुक पर लिखेंगे. ये पार्ट आपका पूरा आपकी नोटबुक पर जाएगा. ठीक है, ये मैंने ऊपर लिख दिया नोटबुक. अब आपका थर्ड पार्ट आ रहा है फाइंड द मिस्टेक्स एंड राइट द सेंटेंसेस करेक्टली. इन जो सेंटेंसेज हैं उनमें मिस्टेक्स हैं, इनको हमने ठीक करना है. ए आ रहा है द ओल्ड मैन गोज टू मार्केट यस्टरडे. ओल्ड मैन कल कहाँ गया था, यस्टरडे कौन सा आता है, जो गुजरा हुआ कल है, यानी जो कल गुजर गया है. तो यहाँ पे गोज नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा वेंट. द ओल्ड मैन वेंट टू मार्केट यस्टरडे. Houses to I see tomorrow. Tomorrow होता है जो हमारा आने वाला कल होता है. तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे क्या आएगा, ये पूरा चेंज होगा. ठीक है, आपका आप लिखेंगे I shall see two houses tomorrow. ठीक है, I shall see two houses tomorrow. ये आप अपना इसको पूरा नोट करेंगे. I shall see two houses टुमारो, ये आपका पूरा चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें आने वाले कल के बारे में बताया गया है. अब आ रहा है ऑल द बर्ड्स फ्लाइज इन द स्काई. जब आसमान में सारे परिंदे उड़ते हैं, नहीं हम कहेंगे उड़ रहे हैं, तो हम कह देंगे ऑल द बर्ड्स आर फ्लाइंग FLYING. अब मेरी बात सुने बेटा, आपने इसको ये देखना है कि मैं कटिंग करके ऊपर लिख रही हूँ, और जब आपके टेस्ट वगैरह होते हैं या असेसमेंट होती है तो आप भी ऐसे ही करते हैं, वर्ड को काट के ऊपर ठीक कर देते हैं. तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने इस सेंटेंस को पूरा लिखना है. जैसे ऑल द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई. डी पे आ रहा है प्लीज गिव्स मी सिक्स बनाना. इसमें क्या गलती है, यस यहाँ पे एस नहीं आएगा, ये होगा प्लीज गिव मी सिक्स बनाना. ई पार्ट में है ही कुडंट एबल टू कम, के वो नहीं आ सका. तो कुडंट नहीं यहाँ पे होगा यूज, यहाँ पे होगा वॉजंट. ही वॉजंट एबल टू कम. तो पूरा सेंटेंस आप, मैं आपको बार बार कह रही हूँ बेटा, असेसमेंट या टेस्ट होगी तो आप इसमें खाली ये कटिंग वाला नहीं, बल्कि इसको पूरा दोबारा लिखेंगे. एफ लास्ट है माई मदर स्माइल एट मी एवरी डे, कि मेरी अम्मी रोज मेरे साथ मुस्कुराती हैं या मेरे साथ हंसती हैं. तो हम कर देंगे मदर के लिए, तो यहाँ पे प्रेजेंट वर्ब है ना, तो ये स्माइल्स इसके साथ एस लगा देंगे, माई मदर स्माइल्स एट मी एवरी डे. सो ये आपका ये वाला पार्ट यहाँ पर डन हो गया, यानी फिनिश हो गया. ओके बेटा, ये पार्ट आपका लास्ट आ रहा है लिसनिंग एंड स्पीकिंग. लर्न दिस राइम एंड सिंग इट अलोंग. ले जी, आपने इस पोइम को लर्न करना है. रो 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 योर बोट gently down the stream, merrily 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 life is but a dream. इसके बाद आपका जो लास्ट आ रहा है, इधर आ रहा है, look at Umair's picture, read the questions below, your teacher will tell you something about Umair, can you answer all the questions correctly. अब देखिए, अगर आपने बुक का ही पेज नंबर 128 है, जो कि मैं यहाँ पर ओपन कर रही हूँ, ये देखें जी, पेज नंबर 128 आपकी बुक का है, 128 पेज, उस पर ये पैराग्राफ दिया हुआ है उमैर के बारे में. इस पैराग्राफ को आपने रीड करना है और इसी के अकॉर्डिंग आपने अपनी ये वाली एक्सरसाइज जो है इसको फिल कर लेना है. मैं दोबारा बता देती हूँ, पेज नंबर 128 को पैराग्राफ जो दिया गया उमैर के बारे में, वो रीड करें और इसको सॉल्व करें. ये जी आपकी एक्सरसाइज की बुक वर्क जो है ये फिनिश हो गया है. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. स्टे एट होम, स्टे सेफ.